Hello students, myself Professor Anil Kumar and I will be teaching you computer networks this year, that is for BCA third year, fifth semester of Punjab University Chandigarh. So I'll introduce you with the subject today and I'll be discussing few topics of your syllabus. So let's start. So we'll start with the introduction first. What does networking mean? Networking का क्या मतलब है? So networking in a simple language we can say that you have to communicate with the data. आपको communication करना है किसका data का? So exchange of data between two devices is known as data communication. अगर आप दो devices के बीच में data को exchange करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो data को आप भेजते हैं, तो आप उसको डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं. फॉर डेटा कम्युनिकेशन यू नीड अ ट्रांसमिशन मीडियम. ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब होता है कि आपने किसी मीडियम के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू आपने डेटा जो है वो सेंड करना है. वो आपका वायर्ड मीडिया भी हो सकता है, यानी कि आप वायर्स का यूज़ करते हो, या आप वायरलेस, जैसे कि आपका ब्लूटूथ या वाईफाई होता है, आप उसके थ्रू भी डेटा को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो. जब आप नेटवर्किंग के बारे में सोचोगे तो आपने, आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा, जैसे आप मोबाइल्स में जो है इमेजेस इधर उधर शेयर करते हो, दैट इज़ आल्सो नोन एज नेटवर्किंग. इफ़ यू आर डाउनलोडिंग समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये डेटा कम्युनिकेशन के थ्रू होती हैं. इफ़ यू आर यूजिंग एन इंटरनेट विद अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, देन यू माइट बी यूजिंग अ वाइड कनेक्शन. अगर आप उस वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल के साथ इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो, देन यू माइट बी यूजिंग योर वायरलेस कनेक्शन. तो जो कम्युनिकेशन है उसके लिए आपको कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडियम की ज़रूरत जो पड़ती है. अब जो डेटा कम्युनिकेशन है, इट कैन बी आइदर लोकल और रिमोट. इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. इट कैन बी आइदर लोकल. लोकल तब कहा जाता है इफ़ द डिवाइसेस, यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं या मोबाइल्स हैं, दे आर रिस्ट्रिक्ट टू अ जियोग्राफिकल एरिया. वो किसी एक एरिया में ही रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर में ही, आपके पास दो कंप्यूटर सिस्टम हैं, एंड इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, इट इज़ सेट टू बी लोकल. एंड इफ़ द डिवाइसेज आर फार्दर अपार्ट, अगर आपकी जो डिवाइसेज बहुत दूर दूर हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिमोट डेटा कम्युनिकेशन. अब जो हर डेटा कम्युनिकेशन होता है उसका जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है? आपके रिलायबल डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमली डिलीवरी. रिलायबल का मतलब ये है कि आपने जो डेटा सेंड किया है वो आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज रिलायबिलिटी. आपका, आपको जो कम्युनिकेशन मीडियम है, जो सिस्टम है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो आपने डेटा सेंड किया है वो आपके रिसीवर तक पहुंच जाएगा. उसके बाद एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? कि आपने जो डेटा सेंड किया है दैट विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर विदाउट एनी चेंज. आपको, आपने जो डेटा सेंड किया वो एज इट इज़ ही रिसीवर के पास पहुंचेगा. ऐसा नहीं है कि रास्ते में उसको कोई चेंज कर दे. सो टाइमली डिलीवरी मीन्स आपको जो डेटा है वो विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, विद इन सर्टन टाइम लिमिट्स, यू हैव टू, योर डाटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर. आपने जो डाटा सेंड किया है, आपका रिसीवर उसे कुछ विद इन टाइम जो आपने प्री डिफाइंड कर रखे हैं, एक मिनट, दो मिनट या कुछ सेकेंड्स में, वो डाटा जो है वो रिसीव होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो है कुछ मेन करेक्टरिस्टिक्स हम जो हम डाटा कम्युनिकेशन के पढ़ते हैं. उसके बाद जो डाटा कम्युनिकेशन है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसमें एक आपका सेंडर होता है जो आपका डाटा जो है वो सेंड करेगा. ठीक है, उसके बाद एक मीडियम होगा विच कैन बी आइदर वायर्ड, वायर वाला भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है. जो डाटा रिसीव करेगा एक बंदा होगा, उसको हम बोलते हैं, एक डिवाइस होगी उसको हम बोलते हैं रिसीवर. ठीक है, उसके बाद आपका ये सेंडर हो गया, ये आपका मीडियम हो गया, मीडियम कैन बी वायर्ड और वायरलेस. तीसरा आपका हो गया रिसीवर. उसके बाद आते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन में, दैट इज़ नोन एज प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स का क्या मतलब है? दीज आर सेट ऑफ रूल्स. ये कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम कम्युनिकेशन जो है करते हैं. ठीक है, लास्ट में आपका आता है मैसेज का पैकेट्स, जो आपने मैसेज सेंडर ने सेंड किया है और रिसीवर उस मैसेज को जो है वो रिसीव करेगा. सो बेसिकली वी हैव फाइव कंपोनेंट्स इन अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम. फर्स्ट वन इज़ द सेंडर, सेकेंड रिसीवर, थर्ड आपका मीडियम, आपने वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करना है या वायरलेस मीडियम यूज़ करना है.
उसके बाद प्रोटोकॉल्स, आप कुछ सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल के एग्जांपल मैं फिलहाल आपको दे देता हूँ, जैसे आप FTP आप यूज़ करते हो, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इस तरह HTTP भी आप यूज़ करते हो। तो ये क्या है, आपके प्रोटोकॉल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करके, जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो आप फ्रंट में क्या लगाते हो, HTTP, उसके बाद कॉल ऐसे लगा के आप यहाँ पर लिखते हो www.google.com या कोई भी आप URL डालते हो। तो ये आपका क्या है, HTTP जो है ये आपका क्या है, प्रोटोकॉल। आप कुछ रूल्स को फॉलो करके इस वेबसाइट से जो डाटा आप एसेस कर रहे हो, ठीक है। तो नेटवर्किंग की जो बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं वो हम इंटरनेट भी दे देते हैं। अब क्योंकि प्रोटोकॉल आपका इम्पॉर्टेंट है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रोटोकॉल जो है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोटोकॉल में क्या क्या रूल्स होते हैं या वो किन किन जो क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है विद इन अ नेटवर्क वो आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले तो जो प्रोटोकॉल है वो डिसाइड करता है आपके डाटा के सीक्वेंस। डाटा सीक्वेंस का मतलब क्या है, अगर आपने IDM के थ्रू कभी डाउनलोडिंग की होगी तो आपने देखा होगा कि आपका जो डाउनलोड्स हैं वो कुछ पार्ट्स में होते हैं, आपके जो पैकेट्स हैं, जो आपकी बहुत बड़ी फाइल है, अगर आपकी 60 MB की फाइल है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और वो अकेला अकेला जो छोटे छोटे पैकेट है वो डाउनलोड होते हैं, ठीक है। तो डाटा सिक्वेंसिंग का क्या मतलब है कि आपने एक बड़े पैकेट को छोटे छोटे फिक्स्ड साइज में आप तोड़ देते हो, उनके बाद उसके बाद उसकी नंबरिंग कर देते हो और उन पैकेट्स को आप रिसीवर तक जो है वो पहुंचा देते हो, ठीक है। और वो किस सीक्वेंस में भेजने हैं वो काम कौन करता है, प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है डाटा राउटिंग। राउटिंग का मतलब क्या है, राउटिंग जो वर्ड है वो बना है रूट से, रूट का मतलब होता है रास्ता। अब जो आपका इंटरनेट है वो कुछ इस तरह है, ये जो मैं आपको स्क्वायर बॉक्सेस बना रहा हूँ ये आपके क्या हो गए, मान लो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होंगे, हो सकता है डायरेक्टली कनेक्टेड हों, हो सकता है इनडायरेक्टली कनेक्टेड हों। मतलब अगर आपने एक डाटा दूसरी जगह भेजना है तो यू हैव मल्टीपल रूट्स, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे अगर ये इसको मैं ए मान लूँ और मैं इसको यहाँ पे बी मान लूँ, तो आइदर ए कैन सेंड डायरेक्टली डेटा टू द बी और थ्रू दिस डिवाइस और मे बी थ्रू दीज टू डिवाइसेस, ये पहले यहाँ पे जाएगा डेटा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी जा सकता है, या ये डायरेक्टली यहाँ पे भी आ सकता है, या ये वाला इस रास्ते से भी जो है आपका डेटा आ सकता है। तो देर आर मल्टीपल वेज। सो कौन से रूट को एट ए टाइम फॉलो करके आपका पैकेट जो है वो रिसीवर से, सेंडर से रिसीवर तक पहुँचेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोटोकॉल। देन आता है आपका डेटा फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि आपके डेटा के किस हिस्से के पास, क्योंकि जो डेटा है वो उसमें एड्रेस भी होता है कि वो डेटा किस रिसीवर तक जाएगा, उसमें कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी होती है, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज की जाएगी उसको हम बोलते हैं डेटा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट आता है आपका फ़्लो कंट्रोल। फ़्लो कंट्रोल का मतलब क्या है, जो डेटा आपका सेंडर रिसीवर को सेंड कर रहा है उसके सेंड करने की स्पीड अलग है, जो रिसीवर है उसके जो रिसीव करने की स्पीड है वो अलग है। मान लो आप कोई डाटा डाउनलोड कर रहे हो तो जो बैकएंड से सर्वर है उसकी स्पीड तो है कि 10 Mbps तक वो डाटा एक सेकंड में सेंड कर सकता है, पर जो आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो सिर्फ 1 Mbps की है। तो उस केस में क्या होगा, फ्लो कंट्रोल होगा कि वहाँ से तो 10 Mbps आ रहा है पर यहाँ पे आपका 1 Mbps ही जो है वो सेव कर पा रहा है आपका रिसीवर। तो आपको फ़्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा, उस 10 Mbps की स्पीड को आपको 1 Mbps की स्पीड से घटाना पड़ेगा। सो इट मीन्स जो फ्लो कंट्रोल होता है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ रिसीवर, ये रिसीवर की स्पीड पे डिपेंड करता है मोस्टली, ठीक है। उसके बाद एरर कंट्रोल का क्या मतलब है कि आपका जो डाटा है वो रास्ते में कहीं, मतलब जो आपने डाटा सेंड किया है, व्हाटएवर सेंडर इज सेंडिंग द डाटा, इट मे नॉट बी मॉडिफाइड इन बिटवीन द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बिटवीन में वो कहीं मॉडिफाई तो नहीं हो गया या वो लॉस्ट तो नहीं हो गया। सो इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन और लॉस्ट यू माइट वॉन्ट डाटा टू बी रीसेंड अगेन, अगर आपका रिसीवर जो है वो डाटा गलत रिसीव कर पा रहा है, आपने कुछ और सेंड किया है और रिसीवर को कुछ और मिला और आप रिसीवर ने आपको बताया कि ये डाटा मुझे मिला है और आप बोलोगे मैंने तो ये डाटा भेजा नहीं, तो उस केस में क्या है कि आपको डाटा जो है दोबारा से आपको सेंड करना पड़ेगा, यू नीड टू रीसेंड अगेन। तो उस केस में आपको सारा डाटा सेंड करना है, जितना ख़राब गया सिर्फ उतना सेंड करना है। These all things depend upon the protocol. Then होता है order of transmission, या इसको हम precedency भी बोलते हैं। order of transmission का मतलब क्या है कि आपके जो network में बहुत सारी devices लगी हैं, जैसे इस case में हमारे पास 5 devices लगी हुई हैं,
तो ये 5 की 5 डिवाइसेस सभी को जो इक्वल चांस मिलना चाहिए डाटा ट्रांसमिशन का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ए डिवाइस है वही डाटा सेंड कर पाए, बाकी डिवाइसेस जो है वो डाटा सेंड कर ही ना पाए। सो हर एक को हमने चांस देना है, तो इसलिए हम जो प्रोटोकॉल है वो डिसाइड करता है आपकी प्रेसिडेंसी की, कौन सा डिवाइस कौन से टाइम पे जो है डाटा सेंड कर सकता है। उसके बाद आता है कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन। कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है, जब आप मान लो कोई वेबसाइट भी ओपन कर रहे हो, आपने यूआरएल डाला, उसके बाद आप देखते होगे यूआरएल जो है चेंज हो जाता है। अगर आप नीचे स्टेटस बार पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वो वहाँ पे लिखता है इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन। तो क्या होता है, जब भी आप किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आपका कनेक्शन बनता है, ठीक है। अब वो कनेक्शन किस तरह बनेगा, और जब आपका कनेक्शन बन गया उसके बाद आप डाटा सेंड करोगे या रिसीव करोगे, लास्ट में आपका जो ये कनेक्शन है इसको हम ब्रेकआउट कर देंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा और इसको कैसे तोड़ना है, ये सारी चीज़ें जो है ये भी कौन डिसाइड करता है, आपका प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका डाटा सिक्योरिटी, दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में क्या होता है कि आप डाटा जो आप रीसेंड करते हो, पर डाटा सिक्योरिटी में आप ये कोशिश करते हो कि आपका जो अनऑथराइज यूज़र है वो डाटा को असेस कर ही ना पाए। एरर कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर आपका डाटा गलती से किसी और ने एक्सेस कर लिया है और उसने कुछ मॉडिफिकेशंस कर लिया तो आपको डाटा रीसेंड करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ डाटा सिक्योरिटी यू जस्ट मेक श्योर दैट डाटा शुड नॉट बी असेस्ड बाय द अनऑथराइज्ड यूज़र, कि अनऑथराइज्ड यूज़र है वो उसको असेस कर ही ना पाया। इसके लिए आपके पास कुछ पासवर्ड्स होंगे, ऑथेंटिकेशन होगी, जब आप लॉग इन करते हो आपने देखा होगा कुछ आपको ऐसे 1, 2, 3 नंबर वगैरह आपको बोले जाते हैं एंटर करने के लिए कि आप इस वैल्यू को जो एंटर कीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्या आपकी डेटा सिक्योरिटी में आती हैं। उसके बाद लॉग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, आपने जो भी डेटा सेंड किया, किसको किया, कितने बजे किया, डाटा आपका सही गया नहीं गया, ऐसा पूरा एक रिकॉर्ड बन जाता है। उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं लॉग। लॉग मीन्स क्या होता है, आपने रिकॉर्ड बनाना है। तो लॉग इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आपकी कौन रखता है, प्रोटोकॉल। तो जो लॉग इन्फॉर्मेशन है इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए। अगर इन केस आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम जो है लॉग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ठीक है। सो अ नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ नोड्स, इसकी अब जो डेफिनेशन है ये आप इस तरह स्टडी करोगे, अ नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ नोड्स दैट आर इंटरकनेक्टेड वाया कम्युनिकेशन मीडिया और चैनल, विच इज़ ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ जो हमने पढ़ा है कम्युनिकेशन डेटा कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो नेटवर्क क्या होता है, इसमें सेट ऑफ नोड्स होती हैं। नोड्स का मतलब क्या है, नोड्स मतलब एक मशीन है। अब जो मशीन है वो कुछ भी हो सकती है, आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, मतलब आप कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, या आप कंप्यूटर टू मोबाइल कर रहे हो, या मोबाइल टू मोबाइल कर रहे हो, या आपका प्रिंटर भी हो सकता है, आपका मॉडेम भी हो सकता है, एनीथिंग जो आप डेटा शेयरिंग में यूज़ करते हो, कोई भी डिवाइस जिससे आप डेटा शेयर कर पा रहे हो या जिसको आप शेयर करना चाहते हो, दैट इज़ नोन एज अ नोड इन नेटवर्क्स। नेटवर्क में हम उस चीज़ को नोड कहते हैं। जैसे मैंने पिछली जो डायग्राम बनाई इसमें मैंने ये 5 डिवाइसेस बनाई, तो मैंने बोला कि ये ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर पर आप डाटा सेंड कर रहे हो। तो अब जब हम नेटवर्किंग स्टडी करेंगे वी विल बी, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर रहा है, वी विल सेइंग वन नोड इज़ ट्रांसफरिंग द डेटा टू द अनदर नोड। हम नोड वर्ड यूज़ करते हैं, नोड कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अदर कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर, एनी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर विच वॉन्ट्स टू बी विच, और कोई भी मशीन, मेनली सॉफ्टवेयर तो नहीं, कोई भी आपकी मशीन जो एक दूसरे से बातचीत कर सकती है, डाटा इधर उधर सेंड कर सकती है। अब मेन बात है कि हमने नेटवर्किंग क्यों करते क्यों हैं, हम वाई वी डू नेटवर्किंग, हम नेटवर्किंग करते क्यों हैं। तो हम नेटवर्किंग करते हैं शेयरिंग के लिए बेसिकली, तो ठीक है, हमने शेयरिंग पर्पस के लिए करते हैं। चाहे आप सॉफ्टवेयर शेयर कर लो, चाहे आप हार्डवेयर शेयर कर लो, चाहे आप डाटा को ट्रांसफ़र कर लो या उसको शेयर कर लो। तो ये जो सारी नेटवर्किंग हम पढ़ेंगे सिर्फ क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या डेटा को जो है वो हमने शेयर करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मीन्स कोई आपका एप्लीकेशन हो सकती है, हार्डवेयर जैसे आपका प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, ये हो सकते हैं। डेटा मीन्स एनीथिंग दैट यू वांट टू ट्रांसफ़र। उसके बाद आता है आपका क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या नेटवर्क में जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आपने किन चीज़ों का जो ध्यान रखना होता है, या आप कैसे मैयर कर सकते हो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ठीक ढंग से हो रही है या नहीं। तो आप सबसे पहले क्या मैयर करते हो, उसकी परफॉर्मेंस, सेकेंड नंबर पर रिलायबिलिटी, थर्ड नंबर पर सिक्योरिटी।
परफॉर्मेंस के अंदर ये तीन पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने होते हैं। पहला ट्रांसमिट टाइम, ट्रांसमिट टाइम मतलब आपने कब डेटा सेंड किया और कब जो है रिसीवर ने उसको रिसीव किया। अब इस मीडियम में कितनी देर जो डाटा ट्रैवल किया उस टाइम को हम बोल देते हैं ट्रांसमिट टाइम। रिस्पॉन्स टाइम, आपने जैसे ही यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट की और सिस्टम ने कितनी देर बाद उसको डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू किया या कितनी देर बाद सिस्टम ने यूज़र को रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, दैट इज़ नोन एज रिस्पॉन्स टाइम। लास्ट जो टाइप है परफॉर्मेंस में जो हमने मेजर करनी है, दैट इज़ थ्रूपुट। थ्रूपुट होता है कि आपने एक घंटे में या एक मिनट में या दो मिनट में कितना काम किया, आपके सिस्टम्स ने कितना काम किया, आपकी नेटवर्किंग में आपने कितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जो एक मिनट में हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट टाइम को भी रिड्यूस करना चाहेंगे, रिस्पॉन्स टाइम को भी रिड्यूस करना चाहेंगे और थ्रूपुट टाइम को जो है वो इनक्रीज़ करना चाहेंगे। रिलायबिलिटी जो हमने पहले पढ़ा है कि आपको जो यकीन होता है, आपको विश्वास होता है कि जो आपने डाटा सेंड किया है वो पहुंच जाएगा और जो आपका नेटवर्क है वो फेल नहीं होगा, आपको उस पर यकीन है। और इन केस अगर वो फेल भी हो जाता है, वो कितनी देर में दोबारा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, कितनी देर में वो रिकवर कर जाएगा फेलियर से, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मेन जो मीनिंग होता है वो होता है यकीन, कि वो आपको कम्युनिकेशन चैनल पर कितना यकीन है कि आपने जो डाटा सेंड किया वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा और आपका जो नेटवर्क है वो ख़राब नहीं होगा, वो ठीक ठाक चलेगा। सिक्योरिटी मीन्स दैट यू आर प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम डैमेज। आप डाटा को जो अब सिक्योरिटी में जो एरर कंट्रोल और जो हमने डाटा सिक्योरिटी पढ़ी थी, वो दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कि आप पहले तो कोशिश करते हो कि डाटा को अनऑथराइज यूज़र जो है वो असेस कर ही ना पाए, बट इन केस अगर उसने असेस करके कुछ चेंजेस कर दिए हैं देन यू शुड बी एबल टू रीसेंड द डेटा अगेन टू द सेंडर। तो ये that was all from my side in today's lecture. I have just introduced you with the this networking subject. अब जैसे हमने already last year भी study किया था, इस subject में भी आपके 4 sections हैं, तो 75 का आपका जो है exam आएगा, 65 का आपका exam होगा, 10 जो marks हैं वो आपकी internal होती हैं। तो हम जो सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए का जो मैंने फर्स्ट टॉपिक है उसको थोड़ा सा आज टच किया है। तो डे बाय डे वी विल बी कवरिंग द टॉपिक्स व्हाट एवर मेंशन इन योर सिलेबस। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाई गूगल क्लासरूम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड आई विल रिजॉल्व योर क्वेरीज। सो थैंक यू. Thank you very much. Thanks for listening.